यूएस के प्लान ड्रैगन की जी हां युद्ध की आशंका के बीच चीन की ओर से लगातार तनाव बढ़ने की कोशिशें हो रही है। समंदर में चीन ताइवान के 6 ओर से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी कि 4 अगस्त से शुरू हुआ है और लगातार 7 अगस्त तक चलेगा। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से समंदर में चीन का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। 6 साइड से यानी कि 6 ओर से ये हेलीकॉप्टर उड़ते हुए चीन के नजर आए हैं युद्धाभ्यास, और ये बताने की कोशिश है कि जिस तरीके से ताइवान में लगातार अमेरिका अपना दखल दे रहा है वो उसका हिस्सा है, हिस्सा रहेगा और हिस्सा था। ये चीन की तरफ से आक्रामक रुख अपनाया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, चीन के हेलीकॉप्टर किस तरीके से घेराबंदी करते हुए ताइवान की हर एक तरफ से, और ताइवान को 6 तरफ से घेर कर चीनी सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें मिसाइल भी शामिल है। पानी, जमीन और हवा में किस तरीके से गोलीबारी हो रही है उसकी ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ताइवान को चीन हमेशा से ही अपना हिस्सा मानता है। लेकिन नैन्सी पेलोसी जिस तरीके से दौरा करते हुए नजर आई उसके बाद चीन ने यह कह दिया है कि अगर अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो ऐसे में हमारी सेना भी खाली नहीं बैठेगी, और इसी की बानगी आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से युद्धाभ्यास चीन की तरफ से शुरू किया गया है। चीन ने युद्धाभ्यास करते हुए ये चेता दिया है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, लेकिन ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। और जो दौरा किया गया था पेलोसी की तरफ से उसे संप्रभुता के खिलाफ बताया था, लेकिन अब चीन की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही है और इन मिसाइलों के जरिए एक बड़ा संदेश, बड़ी चेतावनी अमेरिका को सीधे तौर पर चीन की तरफ से। और अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ पूरी तैयारी में है। अपने जंगी जहाजों के साथ एशिया में तैनात करीब 2 लाख सैनिकों को एक्टिव मोड पर कर चुका है। और कुछ ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से लगातार अब ये बड़ा प्लान सामने आ रहा है। देखिए यूएस भी अब सीधे तौर पर ताइवान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में ताइवान के आसपास यूएस के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट भी तैनात कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। इसके साथ ही एशिया में 2 लाख यूएस सैनिकों की तैनाती है, और ये बड़ा संदेश देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से है कि किस तरीके से वो ताइवान की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। जापान में यूएस सेना की मौजूदगी है, और इसके साथ ही दक्षिण कोरिया की बात की जाए जहां पर दौरा भी नैन्सी पेलोसी ने किया है कि दक्षिण कोरिया में भी यूएस सैनिक तैनात है, यानी कि चारों तरफ से ताइवान को सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही फिलीपींस में यूएस का बेस कैंप है, आपको यह भी बता दें, और इसके साथ ही सिंगापुर में भी यूएस सैनिकों की तैनाती है। यानी कि हर एक देश में किस तरीके से अमेरिका के सैनिक तैनात है, किस तरीके से बड़े बड़े हथियार वहां पर तैनात किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन ताइवान ये कहता रहा है कि हम एक स्वतंत्र देश है, और ऐसे में जब नैन्सी पेलोसी वहां पर पहुंची है तो उनका जो दौरा हुआ था उसका विरोध चीन करता हुआ नजर आया था, ये कहता हुआ नजर आया था कि संप्रभुता के खिलाफ है। लेकिन अब जब अमेरिका पुरजोर तरीके से साथ देता हुआ ताइवान का नजर आ रहा है तो ऐसे में सवाल यही है कि चीन किस तरीके से अपनी दादागिरी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि भले ही चीन हर पल ताइवान को धमकी दे रहा है, अपने प्रचार वीडियो से माहौल बना रहा है, लेकिन ड्रैगन भी अंदर ही अंदर ताइवान को सीक्रेट पावर से डराया हुआ है, क्योंकि चीन को यह अच्छी तरह पता है कि ताइवान यूक्रेन नहीं है। ताइवान के पास पलटवार की पूरी क्षमता है। ताइवान की सीक्रेट पावर। चीन की ताइवान पर कब्जे की हसरत वर्षों पुरानी है। चीन 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली चाल से चल रहा है, लेकिन खुली अदावत के बावजूद कभी भी ताइवान पर सीधा हमला नहीं किया। यानी ड्रैगन को ताइवान की सीक्रेट पावर का सच पता है। आज के समय में भले ही ताइवान की सैन्य क्षमता चीन के मुकाबले आंकड़ों में कम दिखती हो, लेकिन ताइवान की खुद की तकनीक और सुपर पावर्स की शक्ति की बदौलत सैन्य शक्ति बेहद ठोस है। ताइवान के पास दुनिया के आधुनिकतम हथियार तो हैं, साथ ही उसे अमेरिका का खुला समर्थन हासिल है। चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट ताइवान के आसपास तैनात हो गए हैं, जिसकी तस्वीर खुद चीन की सेना ने जारी की, और जरूरत पड़ने पर इन्हें ताइवान की ओर मोड़ा जा सकता है। अमेरिका का महाविनाशक परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने दक्षिण चीन सागर को पार कर लिया है और अब ये फिलीपींस सागर, ताइवान और फिलीपींस के पूर्व और जापान के दक्षिण में तैनात है। अमेरिका का दूसरा युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली की भी तैनाती हो गई है। इसकी तैनाती भी जापान के ओकिनावा के पास है। अमेरिका के तीसरे युद्धपोत यूएसएस अमेरिका को जापान के सोसेबो में तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी क्षेत्र में तैनात है। ना कि ड्रैगन के छूटे पसीने। ना केवल अमेरिकी नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर हैं, बल्कि ताइवान की सीमा के पास लगातार गश्त भी कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसे हाईली एडवांस्ड फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद हैं। साथ ही रेपर ड्रोन और लेजर मिसाइलें भी तैयार हैं। लाल सेना की गीदड़भपकी। ताइवान और अमेरिका की तैयारी के जवाब में चीन लगातार अपना प्रचार वीडियो डाल रहा है। कभी फाइटर जेट्स के युद्धक अभ्यास की तस्वीरें तो कभी दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत का वीडियो। चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडोंग रॉकेट और टैंक तैयार रखे हैं और ताइवान को चौतरफा घेरने का दावा कर रहा है, लेकिन एक सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। ड्रैगन को ताइवान की ललकार। खबर है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान ताइवान में घुस गए। इनमें से 5 J-16 और 16 सुखोई-30 शामिल थे, लेकिन जैसे ही ताइवान की सेना हरकत में आई और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया, तुरंत चीनी लड़ाकू विमान भाग निकले। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर News18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ कर News18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। ताइवान के साथ तनातनी के बीच चीन ने एक लाइव फायर का वीडियो जारी किया है। दावा यह किया गया है कि PLA की 80वीं ग्रुप आर्मी की लाइव फायर का ये वीडियो है। यही नहीं, दावा यह किया जा रहा है कि चीन की ये लाइव फायर ड्रिल दिन रात चल रही है और इसमें शॉर्ट और मिडल रेंज की स्ट्राइक की जा रही है। ये वीडियो चीन की तरफ से जारी किया गया है। स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है जिसमें 80वीं ग्रुप आर्मी का ये वीडियो है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से लाइव फायर यहाँ पर किया गया है। चीन जो कि अपने इस युद्धाभ्यास से, अपने इस लगातार आक्रामक तेवर से ये चेताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने जो किया है ताइवान को लेकर वो गलत है। और ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अपने 4 बड़े एयरक्राफ्ट को ताइवान के इर्द गिर्द तैनात कर दिया है और इन्हें किसी भी स्थिति में निपटने के लिए अलर्ट मोड पर रखा है। आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से अब ताइवान को सुरक्षा देने की पूरी कोशिश है और किस तरीके से ताइवान के आसपास ये सैटेलाइट्स, ये मिसाइलें यहाँ पर तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि USS रोनाल्ड रीगन को जापान के दक्षिण में तैनात कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए। ताइवान को चारों तरफ से सुरक्षा देने की कोशिश यहाँ पर अमेरिका की तरफ से है। इसके साथ ही अमेरिका के सबसे विध्वंसक एयरक्राफ्ट में से एक ये माना जाता है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का युद्धपोत USS त्रिपोली भी जापान के आकी यानी कि ओकिनावा में तैनात है, जो एक इशारे पर तुरंत ताइवान के पास जा सकता है। वहां पर उसकी तैनाती हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की यह कोशिश है कि अगर चीन चेता रहा है तो ऐसे में चीन की सेना कुछ भी कर सकती है। और तीसरा युद्धपोत की अगर बात की जाए, ये तीसरा युद्धपोत जो कि इस वक्त USS अमेरिका जापान के सासेबो में तैनात है, जो बेहद आक्रामक है। यही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन भी कुछ दिन पहले तक इंडोनेशिया के पास था और अब इसकी लोकेशन ताइवान के करीब की बताई जा रही है। ये अमेरिका की तरफ से तैयारी की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर अब ये युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि अगर चीन की तरफ से पलटवार किया जाता है तो उसका फिर सटीक जवाब अमेरिका की तरफ से दिया जाए। चीन ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चीन ने जिस आइलैंड से मिसाइल दागी है वहां का अपडेट, वहां की जानकारी सामने आई है। चीन ने फुजियान प्रांत के जिस आइलैंड से अपनी मिसाइल लॉन्च की है वहां से ताइवान के समुद्री तट की दूरी महज 80 मील है। और इसी वजह से चीन की दागी मिसाइल ताइवान से समुद्री इलाके से होकर गुजरी है। फिलहाल ताइवान के 6 ओर से चीन का युद्ध अभ्यास इस वक्त चल रहा है और माना यह जा रहा है कि चीन अपनी इस आक्रामक कार्रवाई से ताइवान को आखिरी चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है। ताइवान जो कि पूरी तरीके से अमेरिका के साथ खड़ा है और अमेरिका भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चीन के युद्ध अभ्यास और धमकियों से अब लग रहा है कि ताइवान के खिलाफ जंग होकर रहेगी। चीन का मकसद सिर्फ ताइवान पर हमले का नहीं है, बल्कि दुनिया को यह दिखाना है कि अमेरिका ने जो किया है उस पर कैसे और कितना बड़ा एक्शन लेना जरूरी है। और इसलिए जिनपिंग ने अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है, जिसके अलग अलग वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। चीन में युद्ध का अलर्ट जारी, जंग के लिए तैयार आर्मी, लड़ाकू विमान तैनात, ताइवान की सीमा पर टैंक, समुद्र में जंगी बेड़े चल पड़े हैं। ये चीन से आई बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, जिसमें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जोरदार युद्ध अभ्यास किया। वीडियो में चीन की आर्मी लाइव फायरिंग करती दिख रही है। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की आर्मी अपने हथियारों को परख रही है। चीनी सेना का जोर इस बात पर ज्यादा है कि कैसे दूर से ही दुश्मन के जंगी जहाजों का पता लगाया जाए और उसे निशाना बनाया जाए। दावा किया जा रहा है चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान पर सबसे पहले मिसाइल अटैक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन 26 साल बाद ताइवान पर इस तरह का हमला करेगा। इससे पहले साल 1995 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर चीन की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, जो ताइवान की राजधानी ताइपे के ऊपर से निकली थी और एक वीरान इलाके पर जाकर गिरी थी। ताइवान के खिलाफ जंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए चीन के रक्षा मंत्रालय में सेना प्रमुखों के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले खबर सामने आई थी कि चीन की सेना के 70 फाइटर जेट ताइवान की सीमा में घुस आए थे। हालांकि ताइवान ने तुरंत अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया तो चीन के जहाजों को वापस लौटना पड़ा। इस बीच चीन के वायुसेना के एक पायलट का बयान भी सामने आया, जिसमें उसने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं। चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान के समुद्री क्षेत्र से गुजरी है और इसे युद्ध की बड़ी आहट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस मिसाइल लॉन्च से किसी नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है, लेकिन इस तनातनी के बीच चीन की दागी गई मिसाइल ताइवान के साथ चीनी तनाव को और बढ़ा सकती है। और चीन के मिसाइल लॉन्च की ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें समुद्र के तट के पास ये मिसाइल गुजरने के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच चीन ने ताइवान को अपना दमखम दिखा दिया है। युद्ध अभ्यास के दौरान ताइवान के समुद्री सीमा के पास से चीनी हेलीकॉप्टर को देखा गया है। एक दो नहीं बल्कि चीन के कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि ताइवान की सीमा से गुजरते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से ताइवान की सीमा पर तैनात इस वक्त चीन के हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। मोर्चेबंदी चीन की तरफ से ताइवान के खिलाफ लगातार जारी है और इसी घेराबंदी को आगे बढ़ाते हुए कई हेलीकॉप्टर्स चीन के नजर आए हैं। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि ताइवान को चारों तरफ से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है चीन का। और ताइवान चीन के बेहद करीब है। ताइवान को चीन वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मानता है, लेकिन मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ताइवान जो है वो चीन के बेहद करीब है और वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन जो है ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैप सामने आ चुका है। ताइवान जो कि चीन के बेहद करीब है और दक्षिण की तरफ अगर आप जाएंगे तो दक्षिण में आप देखेंगे वियतनाम, फिलीपींस है और उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरीके से जापान, दक्षिण कोरिया यहां पर मौजूद है और इन्हीं देशों का दौरा करते हुए नैंसी पेलोसी भी आगे बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व की ओर आप देखिए किस तरीके से फिलीपींस और पूरा का पूरा सागर फैला हुआ है और दक्षिण चीन सागर पर शी जिनपिंग अपना पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी वजह से ताइवान जो है वो चीन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है। चीन ये मानकर चल रहा है कि ताइवान जो कि उसका हिस्सा है और औपचारिक तौर पर उसे अपने कब्जे में कर लेता है तो फिर ऐसे में इस पूरे सागर पर चीन बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। चीन के युद्ध अभ्यास पर अमेरिका भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने अपने RC-135S लड़ाकू विमान को चीनी सेना के युद्धाभ्यास पर नजर बनाए रखने के लिए तैनात कर दिया है। तो जिस तरीके से तनाव चीन और ताइवान के बीच में बढ़ रहा है उसको लेकर अमेरिका भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। अमेरिका ने अपने कई लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं और सबसे बड़ा लड़ाकू विमान RC-135S चीनी सेना के युद्ध अभ्यास पर नजर बनाए हुए हैं। ये अमेरिका की तरफ से तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही कई ऐसे युद्धपोत हैं, बड़े बड़े मिसाइल और हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए कभी भी कुछ भी कदम उठाया जा सकता है, ऐसे में आप पूरी तरीके से सतर्क रहे। और चीन की जो तैयारियां ताइवान की सीमा के पास शुरू हुई है उसकी वजह से हर गुजरते घंटे के साथ ये दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच रहे हैं। ताजा डेवलपमेंट क्या है उसे भी आपको समझाते हैं। आप देखिए फिलहाल स्थिति जो है वो ये है कि ताइवान की सीमा से महज 9 समुद्री मील की दूरी पर चीन की सेना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और चीन की इन तैयारियों से निपटने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पास फिलीपींस सागर में अपना युद्धपोत यानी कि USS रोनाल्ड रेगन भेज दिया है। इससे पहले चीन ने बुधवार को ताइवान के एयर डिफेंस इलाके में 27 लड़ाकू विमान भेजे थे। यही नहीं, इन 27 में से चीन के 22 लड़ाकू विमानों ने मेडियल लाइन को पार किया था जो दोनों देशों के बीच में एक अघोषित सीमा है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। चीन पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर हवा और समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ घंटों पहले ताइवान के दक्षिण में 2 अज्ञात विमान चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए और इन दोनों विमानों की उड़ान को फ्लाई ट्रैकर पर ट्रैक किया गया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के साथ ताइवान पर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। जिस तरीके से तनातनी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, चीन के साथ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं लेकिन जब हमारी सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही झुकेंगे। चीन का अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। हमारी चीन के युद्धाभ्यास पर पूरी तरीके से नजर है। ये ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है कि हम नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो, लेकिन अगर चीन आगे बढ़ेगा तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। और चीन ने ताइवान की सीमा के करीब मोर्चा खोला हुआ है। जबरदस्त युद्ध अभ्यास से अमेरिका और ताइवान को चुनौती दी है जिससे ताइवान पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर जंग हुई तो ताइवान क्या करेगा, कैसे चीन की चाल का जवाब देगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चीन की आर्मी चारों तरफ मिलिट्री ड्रिल से ताइवान में तनाव। जहां गरज रही है मिसाइल और बरस रही है गुल, जंग के लिए ताइवान की आर्मी कितनी तैयार? इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त करते हुए दिखाई दिए, लेकिन ताइवान ने चीन को बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं और अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए हर एक्शन का कड़ा जवाब देंगे। 会坚定维护国家主权，坚守民主的防线。同时，也希望和全世界民主国家团结合作，共同维护民主的价值。चीन की तुलना में ताइवान देखने में भले ही कमजोर लग रहा है, लेकिन उसे जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों के तनाव में ताइवान ने बेहद बेहतरीन स्ट्रैटेजी बना रखी है, जिससे चीन को चकमा देना आसान होगा। ताइवान की पहली स्ट्रैटेजी में उसके साथ दोस्त अमेरिका शामिल है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले अमेरिका ही आगे आएगा। दोनों देशों के बीच दोस्ती पुरानी है। इसके अलावा अमेरिका और ताइवान के बीच रिलेशन एक्ट समझौता भी हुआ है, जिसके तहत अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है। दोस्ती का ही नतीजा है कि जंग के हालात को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नौसेना को ताइवान की सीमा के करीब भेजना शुरू कर दिया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दूसरी स्ट्रेटजी में ताइवान ने चीन से निपटने के लिए एसिमेट्रिक वॉरफेयर के मेथड को अपनाया है। इसे पार्कोपाइन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसका मकसद हमले को दुश्मन के लिए ज्यादा से ज्यादा मुश्किल और महंगा बनाना होता है, जिसके तहत ताइवान ने एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप हथियारों और गोला बारूद के बड़े भंडार को इकट्ठा करके रखा है। इसमें ड्रोन और मोबाइल कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइल यानी CDCM जैसे कम लागत वाले युद्धपोत शामिल हैं। ये चीन के महंगे नेवल शिप और महंगे इक्विपमेंट को नष्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसके अलावा ताइवान की योजना समंदर में माइंस बिछाने की भी है। समुद्री माइंस और फास्ट माइन लेइंग शिप किसी भी हमलावर नौसेना के लैंडिंग ऑपरेशन को जटिल बना सकते हैं। ताइवान चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन को बड़ी संख्या में सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, हथियार, गोला बारूद, खाने पीने के सामान और मेडिकल सप्लाई उस पार ले जाने की जरूरत होगी। ये सिर्फ समुद्र के रास्ते संभव है, लेकिन ताइवान ने इसकी निगरानी के लिए एडवांस सेंसर वाले इक्विपमेंट लगाए हैं, जो कि चीनी बेड़े या फिर फ्लीट का आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर जंग के दौरान चीनी PLA के सैनिक ताइवान की ज़मीन पर उतरेंगे तो उनके खिलाफ ताइवान की नौसेना का एक्शन शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी अगर चीन के सैनिक मल्टी लेयर्ड सी डिफेंस को भेद कर ताइवान पहुंच भी जाते हैं, तो उसने अपने शहरों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार कर रखा है, जहां हर 4 में से 1 आदमी को गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल है। ताइवान मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स और मोबाइल एंटी आर्मर हथियार जैसे की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS का यूज शहरी लड़ाई में कर सकता है, साथ ही बिल्डिंग को बैरक में बदल सकता है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में मिलिट्री रिजर्व सिस्टम में 25 लाख लोग हैं और 10 लाख सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। ये संख्या ताइवान की आबादी का 15% है, यानी हर 4 में से 1 व्यक्ति इससे जुड़ा है। रूस ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था और तभी से ताइवान में गन ट्रेनिंग की दर लगातार बढ़ी है। बताया जा रहा है कि चीन से हमले के खतरे को देखते हुए ताइवानी नागरिकों को गन ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे नागरिक भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी गन देखी ही नहीं थी। युद्ध के समय ताइवान की टैक्टिक्स और डिफेंस सिस्टम जैसे कि एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम को बचाने की होगी। इन्हीं डिफेंस सिस्टम से ताइवान चीन की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर खत्म कर सकता है। पिछले कुछ सालों से ताइवान ने अमेरिका से दर्जनों एडवांस फाइटर जेट खरीदे हैं, साथ ही खुद से स्वदेशी AIDC FCK-1 चिनकुओ फाइटर जेट भी बनाया है। ताइवान ने अपने एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले बेस में रखा है, साथ ही पायलट को एयरपोर्ट पर बमबारी होने की स्थिति में हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को डिफेंस सिस्टम और इंटेलिजेंस सपोर्ट देने की बात कही है। इन सभी उपायों से ताइवान को चीन को ये संदेश देने में मदद मिलेगी कि अगर युद्ध छिड़ता है तो ये लंबा, महंगा और काफी खून खराबे वाला होगा। चीन ताइवान विवाद में अमेरिका को लेकर चीन ने चेतावनी जारी की है। चीन ने अमेरिका को चेताया है कि वो चीन और ताइवान के मामले में दखल ना दे। वन चाइना पॉलिसी है और रहेगी। ये चेतावनी एक बार फिर से चीन की तरफ से अमेरिका को लेकर जारी की गई है कि वन चाइना पॉलिसी है और रहेगी। ताइवान हमारा हिस्सा है। चीन जिस बात को लगातार दोहराता हुआ नजर आया उसको लेकर एक बार फिर से अमेरिका को चेता दिया है चीन की तरफ से। चीन और ताइवान का विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पल पल की अपडेट्स न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका अब ताइवान की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो-काराबाख में अर्मेनिया की सेना के ठिकानों पर जमकर बमबारी की है और इससे पहले भी साल 2020 में नागोर्नो-काराबाख के लिए दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी। पहले टारगेट सेट होता है, अगले ही पल जोरदार धमाका। युद्ध के मुहाने पर आर्मेनिया अजरबैजान। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। देखने में यहाँ सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। तस्वीरों में फौजियों की सामान्य हलचल हो रही है, लेकिन तभी अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है। इस हमले में आर्मेनिया के 3 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई जवान घायल हो गए। बायरकताश टीवी2 का इस्तेमाल किया। हमले के बाद अजरबैजान की सेना ने हमले का ये वीडियो भी जारी किया। वीडियो को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हमला बेहद तैयारी के साथ किया गया। अजरबैजान ने ड्रोन के जरिए नागोर्नो-काराबाख में आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर चुन चुन कर बमबारी की, जिसके बाद वहां चारों तरफ सिर्फ जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। इस हमले के बाद अजरबैजान ने दावा किया कि उसने आर्मेनिया के सेना के गोला बारूद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताई। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया की सेना ने पहले उसके एक सैनिक को मारा था, जिसके बाद उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। यही नहीं, अजरबैजान ने नागोर्नो-काराबाख के ऊंचाई वाले कुछ इलाकों पर कब्जे की बात कही। बताया गया कि ड्रोन से हमले के बाद आर्मेनिया की सेना पीछे हटी थी, जिसके बाद अजरबैजान की फौज ने वहां कब्जा कर लिया। आरोप है कि अजरबैजान ने जानबूझकर सीज फायर तोड़कर बमबारी की, जबकि अजरबैजान ने इस हमले को बदले की कार्रवाई बताई। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध जैसे हालात बने हों। 2020 में नागोर्नो-काराबाख के लिए दोनों देशों के बीच जंग ही छिड़ गई थी, लेकिन बाद में रूस ने शांति समझौता कराकर खत्म करा दिया था। ये पूरा विवाद जो है नागोर्नो-काराबाख इलाके को लेकर है, जो अर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर इलाके पर है और फिलहाल ये इलाका अजरबैजान में आता है, लेकिन जमीन के इस हिस्से पर अभी की स्थिति में आर्मेनिया की सेना का यहाँ कब्जा है। वैसे नागोर्नो-काराबाख का विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। नागोर्नो-काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर ईरान, आर्मेनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो-काराबाख ने खुद को अर्तसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्तसाख के लोग खुद को आर्मेनिया साम्राज्य का हिस्सा ही मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया था। फिर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में यह इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया और इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने और झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वतंत्रता क्षेत्र घोषित कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। जिन लोगों को ईडी समन करने वाली है उन लोगों को संजय राउत के आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। कोर्ट से इसी ग्राउंड पर ईडी ने रिमांड मांगी और कोर्ट ने 8 अगस्त तक के लिए संजय राउत को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। तो संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पात्रा चौल घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर ईडी की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पीएमएलए कोर्ट ने अब संजय राउत को सोमवार यानी 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बताया जाएंगे कि पत्रा चौल स्कैम में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया है। पहली जब कस्टडी मांगी गई थी तो उसमें ईडी ने बोला था कि जो पूरा मनी ट्रांजैक्शन है उसको लेकर जांच कर रही है और ईडी ने आज कोर्ट में बड़े खुलासे किए हैं। साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी जांच में जो है वो शिवसेना सांसद संजय राउत कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब जो है वो संजय राउत नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ ईडी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पूरी जांच में जब ईडी ने कुछ दिन पहले छापेमारी की थी वहां पर 2.25 यानी कि लगभग 2.25 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन मिला है उसकी जानकारी निकालनी है और यही वजह है कि ईडी को अब कस्टडी चाहिए और कस्टडी में ही पूछताछ संजय राउत की करनी जाती है। साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जांच के दायरे में कुछ लोग जरूर सामने आए हैं, उन सभी को समन जारी किया गया है और जल्द से जल्द जो मुंबई का ईडी दफ्तर है उन्हें वहां पर बुलाया गया है। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर News18 इंडिया पर भरोसा जताया। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ कर News18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए News18 इंडिया।